हेलो। हेलो, हाँ मैडम। मैडम कौन बोल रहे हो? मैं मुकेश सोनी बोल रहा हूँ। हाँ जी, बोल रहे। मैडम कहाँ घूम रही हो आप? किससे बात करनी है आपको? अरे आपके साथ घूमना है मुझे। अपने यार साहब, जिससे तेरे प्रीति है साथ ना, घूमनी प्रीति है के साथ घूम, चल जा मैडम। प्रीति के साथ घूम। अरे तेरे साथ घूमनी है, जा स्वागत प्रीति के साथ करानी है। घूम, मैडम चल। अरे अरे बात मैडम हो से गई बात सर। कराओ, उनके साथ स्वागत अरे करानी है। हाँ एक मिनट सर, प्लीज मेरी बात सुनिए। आप थोड़ा बोलिए। सा छोटे भाई के नाते सुनिए, क्या बात हो गई, हुई कुछ क्या नहीं, ये बात मैडम हरासमेंट करके पैसे क्यों मांगती हैं? इसको कई बार है? एक देखा मिनट हूँ। मैडम, 2 मिनट दो, मैं समझा। हाँ कोई बात नहीं, मैं समझा। बात क्या हुई है मेरे को ये बताइए आप। बात ये हुई है, किसी को फोन कर कर उसको गालियां देगी, बोले कि तेरा पति ने ओके। तेरे को बेच दिया है। क्या भाई किसी को प्रॉब्लम होती नहीं है? आपने पेमेंट जमा कर दी सर? पेमेंट नहीं जमा होगी, अब नहीं होगी। नहीं क्यों होगी। नहीं होगी सर, बस रीजन नहीं बता सकते होगी। हैं? रीजन ये, इसने इतनी गंदी गंदी गालियां कैसे दी, अब इसको गाली सुनना पड़ेगा। अच्छा, आप गाली हाँ, दे रहे हो तो फेस टू फेस आके मिल लो सर, फेस इससे टू फेस बढ़िया इसकी चुदाई कर दूंगा मैं आ गया तो। है तो एड्रेस बोल दे अपने ऑफिस सर। का, है ग्रेटर ऑफिस का एड्रेस नोएडा बोल। सेक्टर 128 में आ जाइए, आपको वहीं पे कहाँ पूरा एड्रेस मिलूंगा। बोल, मैं लिख लेता हूँ और वहीं आकर हाँ इसकी चुदाई लिखो। करता हूँ। ये मादरचोद वाली गाली देकर धमकी देकर पैसे मांगेगी। इसके बाप ने पैसे दिए थे? इससे पूछना, इसके बाप ने पैसे दिए थे क्या? हेलो, पूरा आप सेक्टर 128 में आ जाइए सर, ठीक है, एड्रेस बोलो। ग्रेटर एक मिनट रुको नोएडा, रुको रुको, पूरा एड्रेस बोलना। ग्रेटर नोएडा सेक्टर एक मिनट, 128, ग्रेटर नोएडा सेक्टर, सेक्टर 128, एजेंसी का क्या एक्सेस नाम हाउस, है? एजेंसी नहीं है, एक्सेस हाउस। एक्सियस हाउस, टावर नंबर 2, सेकंड फ्लोर, अच्छा। ये मैडम का क्या नाम ठीक है? है। मैडम का नाम ही पता कर लेना, मैडम का नाम क्या मैडम है। का नाम तो मैडम बोल आप दो। अरे नंबर दे, सीधा नंबर दे देना, नंबर से पता लग जाएगी फोन है मैडम पे कौन दिल सा है। फिदा आ गया है, इसलिए नंबर नाम बोलो मैडम का। भाई अगर तेरे तेरे अगर उसमें इतनी आग है ना, तो आके मिल ले, सबसे पता लग जाए अरे कि किसमें आग है उसको तो। किसमें नहीं है यार। अच्छा दोस्त के ऊपर तुम्हारा हम नाम बात क्या कर है? रहे हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा राहुल श्रीवास्तव नाम है। राहुल श्रीवास्तव बनिया हो, वो मैडम को हाँ बोलो जी, सही से बात करे किसी कस्टमर से, अच्छा रहेगा। तो मैं ठीक आपसे है, प्यार से बात करूंगा, मेरी तो सुनो ना। अरे सुन तो रहा हूँ, लेकिन आजकल ये से आपके पास बताओ कॉल किसी, नहीं आ अच्छा रही ये कि मैं इतनी बताओ गारंटी आपके लेता घर हूँ में यार किसी ने दोस्त। लोन लिया होगा? पहले मेरी बात सुनिए। आपने भी हाँ जी कभी लोन बताइए। लिया होगा, आपके घर परिवार रिश्तेदार होने में किसी ने लोन लिया होगा? उनको पता नहीं कोविड की वजह से कितना परेशान हो गए हैं सब लोग? किसी के जॉब चली गई है, किसी के कुछ हो गया है, किसी को कुछ हो गया है, ये गालियां देकर बोलता है भाई लोन की रिकवरी करती है, क्यों करेगी? हेलो। हेलो, हाँ हाँ जी सर बताइए। तो भाई सभी को प्रॉब्लम चल रहे हैं और ये मैडम बिल्कुल चल गालियां रही है। देकर पैसे लेगी, गलत है कि नहीं है बताइए। आपका शुभ नेम क्या है? मेरा नाम मुकेश सोनी है। मुकेश सोनी से ही बात हो रही थी। हाँ हेलो मैडम, मुकेश सोनी से ही बात हो रही थी। आप सर जिनका ये लोन है, आप उनके क्या लगते हो? मैं उनके हस्बैंड का फ्रेंड ही लगता हूँ, वो मेरे जानने वाले हैं, उनसे नंबर अच्छा मिला है कि भाई ये लोग गालियां दे के रिकवरी कर रहे हैं, बोल रहे हैं तू बेचने के लिए तेरे पति ने छोड़ दिया है, तेरा भाग गया ओके। पति, तेरा ससुर से पिलवा ले, इस तरीके से बोलेगी, इसको ना पेल दू पकड़ कर मैं। अच्छा मतलब कि आप थर्ड पर्सन बात कर रहे हो उनके? थर्ड हाँ पर्सन नहीं बात कर रहे हो, उसके रिलेटिव ही बात कर रहे हैं। रिलेटिव थर्ड पर्सन ही हो गए अरे आप सर। फोर पर्सन समझ लो। हाँ तो क्या चाहते हो सर? चाहता ये हो कि इसको बोलो ये कस्टमर को नहीं, किसी कस्टमर को प्रेम से बात करें, नहीं को किसी की खसकी ना तो इसकी चुदाई कर देगा ऑफिस पे ही आकर। पेमेंट हाँ तो मैं एक काम करता हूँ, मैं हाथ जोड़ के आपके सामने खड़ा हो रहा हूँ सर, पूरी पेमेंट जमा कर दो। करोगे? है पेमेंट जब पेमेंट आएगा तो पेमेंट अपने जगह पे जमा हो जब जाएगा भाई। जब पेमेंट 3-4 आएगा साल के अंदर सुनिए पेमेंट नहीं आया तो आपकी तो भूल कैसे जाओ ना, विश्वास राइट ऑफ करना? तो डालकर छुट्टी करो ना, कहानी खत्म करो, राइट क्यों ऑफ डाल परेशान? के ही तो बज रहे हो सर, राइट ऑफ डाल के तो बज रहे हो। राइट और ऑफ, रही बात, राइट आपने ऑफ, राइट एड्रेस ऑफ में देख हो गया लिया ना? है ना हाँ सर? सुनो सुनो मेरी हाँ बात, बोलिए। आपने एड्रेस ले लिया है ना, तो हाँ आप अगर कुछ हो तो पक्का आना। ठीक है, आपने पक्का कितनी आएंगे। बड़ी बात बोली है ना, चुदाई करूंगा ये करूंगा, अगर हाँ लंच के अंदर इतनी आग होती है ना तो दिखाना कि आग ही है, ठीक है, आज देख लेना ठीक? कितने लोग लंड घुसेंगे उसके में। हाँ तो ठीक मैं भी है ठीक देखता हूँ कितने लंड घुसेंगे। है और रही ठीक बात है, उससे फोन जाने की, फोन तो उस पर जाएगा, अगर तो आप हिम्मत जाएगा हो तो तो रोक प्रेम से लेना, अगर ठीक बात है? कर सकते हो तो प्रेम से बात कर लेना, अगर गाली गुप्ता कर कर पैसा रिकवर करे। पेमेंट करवा दो, हमें सुनिए खुश हो सुनिए गया, आपको सुनिए सुनिए, पेमेंट फोन पेमेंट कर तो अभी लेना। नहीं होगी, जब तक उस पर्सन के पास पेमेंट नहीं आएगा
तब तक पेमेंट नहीं करेगी तुम उसकी सिविल खराब होगी। सुनिए 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 सर सुनिए, पेमेंट होगी कोई बात नहीं, पेमेंट होगी ना, मना तो नहीं है ना भाई, थोड़ा टाइम लगेगा। पेमेंट इसी महीने होगी, इस महीने तो खत्म हो गया ना, महीना तो खत्म हो गया ना, वो टेंशन मतलब वो मेरे पे छोड़ दो ना, इसी महीने तो आप लिख के ले लो। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तो आप मुझसे लिख के ले लो, आपकी बैंक के अंदर वो मैडम के अंदर या आपके अंदर गाड़ में तुम हो तो पेमेंट निकलवा लेना। 100% बोल रहा हूँ, गाली देके बात नहीं कर रहा हूँ। तो भाई तुम बोलिए अच्छे रहो तो गाली देकर नहीं बात सुनो, स्टार्ट हो जाएगा। तमीज से बात कर, तमीज से बात कर रहा हूँ। तुम्हारी ऐसी वर्डिंग आती है ना, मैं बहन की लोड़ी गांड में तो तेरी गांड में इतने लट मारूंगा भोसड़ी के पूरे खानदान याद करेगा चूतमारी के। अपनी बहन से पूछ लेना कितने लट खाते, अपनी माँ से पूछ लेना बहन के लोड़े भूजने की औलाद तो है ही, तो माँ को दुनिया के लंड खाते फिर किए थे तेरी बहन को, तेरी माँ की चुराई तो मैंने की है, महंगे नाम तो पूछ असली बाप का क्या है, असली बाप का पूछ राहुल बताएगी महंगे कैलेंड नस्ली नकली नस्ल का नहीं है तो असली नस्ल का है। तेरी बहन को चुदाई की, अबे बहन के लोड़े, तेरी बहन मेरी बहन, मेरी तो कोई बहन ही नहीं है, तेरी बहन को मैं बहन बोलता हूँ पूछ ले जाके। अरे बोलता है तो भोसड़ी का ढंग से बोलना फिर, प्रेम से बात बोल रहा हूँ, बहन के लंड अपनी बहन से पूछ लेना। मैं तो सबसे पूछ लिया, तू पूछेगा बहन चोद, अपनी माँ को माँ भी कह रहा हूँ, अपनी माँ की चोट में घुस जा। अरे तू घुस जा अपनी माँ की चोट में, अपनी माँ की वही घुसा दूंगा चुदाई खाने। अबे तो अपनी माँ की चोट में चाहे ना भोसड़ी के, तू बहन के लोड़े अपनी माँ की चोट में से निकलना, तुझे अपनी तेरी बहन की चोट में घुसा दूंगा। तेरी बहन की चूत में घुसा दूंगा, अपनी माँ की चूत से निकला है ना तू, क्या रहे भोसड़ी के, तू अपनी माँ की चूत से निकला ना, तेरी बहन की चूत में भोसड़ी के, तेरी तो आज की दिन खराब, तुम हो भोसड़ी के लोड़े, तेरा तेरा तेरी वो मैडम की छैया की, दोनों की दिन खराब, दोनों का दिन खराब आज का, ध्यान रखना। तूने पहले भी सुना होगा, तेरी गांड फाड़े होंगे तेरे ऑफिस पे, अरे लोड़े झाट के बाद भोसड़ी के बनिया, सुन अरे झाट के बाद, तू ध्यान रखना, तेरा ऑफिस की पहले ही गांड मारी गई थी, याद होगा कभी तो, मेरे जैसे झटकी मिला होगा तेरे को, याद होगा तो। अरे तो मैनेजर कौन है, बता तू है कौन, अरे भोसड़ी के, अरे भोसड़ी के सुनना, तू है कौन सा बैंक का, अभी मादर से तू है बैंक का, कौन दल्ला है क्या है, बैंक का क्या दल्ला है, अरे भोसड़ी के, मेरी तो कोई बहन भी नहीं है भोसड़ी के, तेरी बहन जरूर है, अरे मादर से तेरी है तो जरूर उसके तो स्वागत बनाए, और वो जो मैडम है ना उसकी तो चुदाई की मैंने गांड उठा उठा कर, अरे मेरी बात तो सुन भोसड़ी के लोड़े, की चुदाई किया पूछ ले, अरे हिजड़ा तो तू ही है भोसड़ी के, जो लेडीज लोगों को गाली देता है, अरे भोसड़ी के चले जैसे मेरे तेरे सेक्टर पर, तेरे ऑफिस पे तो जरूर आऊंगा, ये दिमाग में बिठा ले तू, उधर ही तेरी चुदाई करूंगा मैं 100% आऊंगा, शाम तक जरूर आऊंगा तेरे ऑफिस पे। बात कर रहा है वो कौन है, अरे तेरी बहन है वो तेरी बहन है, साले अपनी बहन के साथ ऐसा अत्याचार करेगा पैसे के लिए, वो भी बैंक का पैसे के लिए, तेरे बाप का तो पैसा नहीं था, क्या रे लोड़े, तेरे बाप का तो पैसा नहीं था, बैंक का पैसा था ना, जो अपनी बहन को परेशान कर रहा है इतना, एक्सिस बैंक, अरे बोलेगा आप, मुंह में लोड़ा घुस गया क्या, होल्ड पे रख दिया भोसड़ी के, आपकी कॉल को होल्ड पर, अरे माता चौथ होल्ड पे रख दिया, लाइन पर बने रहें। माँ की चूत।